हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन कि राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी से स्वागत संबोधन के लिए सादर निवेदन। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्णिम जयंती वर्ष 2021 के मुख्य अतिथि परम आदरणीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, आदरणीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलकर जी, आदरणीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, केंद्र सरकार में मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, मंत्रिपरिषद के सभी सम्माननीय सदस्य, उपाध्यक्ष विधानसभा, विशिष्ट दीर्घा में बैठे सभी विशिष्ट अतिथिगण, माननीय विधानसभा सदस्य, राज्यसभा लोकसभा के सभी वर्तमान एवं पूर्व सदस्यगण, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्यगण, केंद्र व राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी तथा मीडिया के सभी मित्रगण, मैं सबसे पहले माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूं कि आप हमें शुभाशीष आशीर्वाद मार्गदर्शन व सभी माननीय सदस्यों को संबोधित करने के लिए आपने हमें सहमति दी, अनुमति दी और आप यहां उपस्थित हुए। मैं सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपका अभिवादन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदय, मैं आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे और विधानसभा सचिवालय के निमंत्रण को स्वीकार किया और शिमला आए। यहां आपके आगमन पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था और इसकी पृष्ठभूमि यही है कि इन 50 वर्षों में हमने जो विकास के आयाम स्थापित किए, हमने ये यात्रा कब शुरू की, इसके विभिन्न पड़ाव क्या रहे, आगे हमें क्या मील के पत्थर माइलस्टोन तय करने हैं, ये आपकी गरिमामयी उपस्थिति में और हम सभी इसके चश्मदीद गवाह बने हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए मैं ये समझता हूँ कि ऐसी विभूतियाँ जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के नवनिर्माण के लिए और हिमाचल प्रदेश की सम्माननीय जनता जनार्दन के माध्यम से जब जब भी जिस राजनीतिक पार्टी को आशीर्वाद दिया, उन्होंने अंत्योदय की भावना से काम किया, उन्होंने स्वावलंबन की ओर हिमाचल प्रदेश को ले जाने के लिए संकल्प दोहराया, उन्होंने पार्टियों की सरकारें बनती हैं परंतु सरकार की कोई पार्टी नहीं होती, इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम यहां पर डॉक्टर वाईएस परमार जी से लेकर के ठाकुर रामलाल जी और उसके उपरांत
श्री वीरभद्र सिंह जी, श्री शांता कुमार जी और विशेष दीर्घा में बैठे हुए इस सदन को सुशोभित कर चुके लीडर ऑफ अपोजिशन रहे और मुख्यमंत्री रहे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने भी ऐसी अपनी मेहनत और इबारत पर ऐसी हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ प्रेरणा दी है। मुझे लगता है कि वर्तमान में श्री जयराम ठाकुर जी भी उस स्वलंबन की ओर, आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की ओर ले जाने के लिए कृत संकल्प हैं, और हम और आप और हमने इस सचिवालय की ओर से इस सदन में रहे, कभी भी हिस्सा रहे होंगे, उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर एक एक ईंट हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जो लगाई, वो हमारे निमंत्रण पर यहाँ पर आए, उनका भी मैं इस विधानसभा की ओर से बहुत बहुत आभार अभिनंदन करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत माननीय राष्ट्रपति जी, जहाँ पर आप हमें संबोधित करेंगे, ये 1925 में बना था और जब ब्रिटिश हुकूमत थी उस समय केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठकें यहाँ पर होती थी, क्योंकि ये ब्रिटिश हुकूमत का शीतकालीन, ऐसा ग्रीष्मकालीन ऐसा करके राजधानी थी। इस विधानसभा में मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से 100 साल पहले जब अंग्रेजों की हुकूमत होती थी उस समय भी पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन अगर कहीं पर हुआ है वो शिमला में हुआ है, और उस समय विट्ठल भाई पटेल, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं को लेकर के जो हिंदुस्तान में समय समय पर मौके आए उसमें जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है वो हमेशा हमें आज भी पथ प्रदर्शक के रूप में याद है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस विधानसभा की बहुत उज्ज्वल परंपराएं रही हैं। मुझे पीठासीन अधिकारी की जिम्मेवारी मिली है, परंतु यहाँ पर जो चर्चाएं होती हैं उसका जो स्तर है, मैं ये कहना चाहता हूँ वो हिमाचल प्रदेश के लिए तो अनुसरणीय है ही है, परंतु यहाँ की चर्चाएं पूरे देश के लिए भी अच्छी विधानसभाओं की चर्चाओं में नंबर एक पर गिनी जाती हैं। इसलिए मैं समूचे इस सदन के, चाहे वो सत्ता पक्ष के साथी हों चाहे वो विपक्ष के साथी हों, यहाँ जो लोकतंत्र की खूबसूरती है उस खूबसूरती को आगे बढ़ाने के लिए ये पूरा सदन जिस तरीके से चर्चा करता है, मुझे लगता है कि इस स्वर्णिम जो ये वर्ष है इसमें निसंदेह हमें और अधिक मंजिलें तय करनी होंगी, और उसमें हम सभी का बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर रहता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे धर्मशाला में भी ग्रीष्मकालीन, यहाँ शीतकालीन विधानसभा है और दिसंबर के महीने में वहाँ पर भी सत्र होता है। ई विधानसभा प्रणाली अगर देश में सबसे पहले कहीं लागू हुई तो वो इसी विधानसभा में लागू हुई है, ये पेपरलेस विधानसभा है। ये जानकारी भी मैं आप तक देना चाहता हूँ, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। मैं इस सदन के माध्यम से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। देश के लिए दुनिया में इस देश का नाम और आगे जिस तन्मयता से वो बढ़ा रहे हैं, निसंदेह ये देश दुनिया में अपना परचम लहराए, ये शुभकामनाएं मैं अपनी तरफ से और आपकी तरफ से उनको प्रेषित करना चाहता हूँ। उनका एक स्वप्न है कि हिंदुस्तान में डिजिटल इंडिया की ओर हम आगे बढ़ें, तो हमने इस विधानसभा में भी माननीय विधायकों के लिए ई निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन, ई समिति, ई डायरी तथा मोबाइल ऐप जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, ये भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। मुझे इसी सदन के रहे सदस्य और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का भी संदेश आया था कि वो आना चाहते थे, पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण वो यहाँ पर नहीं आ सके। उन्होंने भी आपके आगमन के लिए और इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सभी का अभिवादन, धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए, और सबसे बड़ा आभार
कि माननीय मार्गदर्शन प्राप्त होगा और उस समय प्राप्त हो रहा है जब आने वाले वर्षों में हिमाचल प्रदेश को और अधिक। आभार महोदय। करबद्ध निवेदन हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी से भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय का हिमाचली परंपरा के अनुरूप सम्मान करने के लिए। आभार महोदय। माननीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय राष्ट्रपति जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करेंगे। आभार महोदय। विनम्र आग्रह माननीय राज्यपाल महोदय से विधानसभा द्वारा प्रकाशित वूज वू पुस्तक का विमोचन करने के लिए। माननीय राज्यपाल महोदय विधानसभा द्वारा प्रकाशित। भारत के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण एवं पूर्व में सांसद व पूर्व में विधायकगण, हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्णिम जयंती वर्ष के अवसर पर हमें मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने के लिए आप इस देवभूमि में पधारे हैं, ये हमारे लिए अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है। आपसे पहले स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब 2004 में, स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी साहब 2013 में हमें संबोधित कर चुके हैं। ये भवन ब्रिटिश काल से ही गौरवपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णयों का गवाह रहा है। आज जिस आसन पर आप विराजमान हैं, कभी इस आसन पर श्री विठल भाई पटेल सुशोभित रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेज हुक्मरानों को हरा के ये कुर्सी हासिल की थी। इस सदन में भारतीय महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने के संकल्प को पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया था, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की पहली पेपरलेस असेंबली है और राष्ट्रपति महोदय, मुझे ये बताते हुए फख्र होता है कि हिमाचल वो राज्य है जिसने जंगलों के कटान पे पूर्ण रोक लगा रखा है, और हालांकि उसकी एवज में जो हिमाचल की मदद होनी चाहिए वो अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन हिमाचल अपने देश को जो है आगे ले जाने के लिए इस कटान पर पाबंदी लगाए हुए है। महोदय, 15 अप्रैल 1948 को छोटी पहाड़ी रियासतों के विलय के बाद हिमाचल का गठन हुआ। हमें कहना है कि अगर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ना होते तो हिमाचल ना होता। हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री, जो कि 18 साल मुख्यमंत्री रहे, उनका बहुत मेहनत थी हिमाचल को बनाने में। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर श्रीमती इंदिरा गांधी ना होती तो शायद हिमाचल प्रदेश की परिकल्पना भी संभव ना होती। हिमाचल के गठन के समय में ही ये मालूम था कि ये राज्य वित्तीय रूप से सक्षम राज्य नहीं होगा।
अपितु इस राज्य को लोगों की राजनीतिक जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के नजरिए से गठित किया गया। 1970 में भारतीय संसद में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का कानून पारित हुआ और 25 जनवरी 1971 को शिमला के रिज मैदान में भारी बर्फबारी के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश को भारतीय गणराज्य का 18वां राज्य घोषित किया। इसके आगे हमारे विकास के का सफर शुरू हुआ जिसमें स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी की अहम भूमिका है। वीरभद्र सिंह जी इसी सदन के सदस्य थे और लंबे अरसे तक हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे। हमें खेद है कि आज इस मौके पे आपका स्वागत करने के लिए वो हम सबके बीच में नहीं रहे। श्री वीरभद्र सिंह जी ने इस हाउस की सीटें 68 करवाने के लिए प्रयास किए, अन्यथा इस हाउस को 48 सीट्स मिल रही थी। तो उनका योगदान और विकास में आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम था, हम उन्हें भी आपके समक्ष याद करते हैं। महोदय, हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा सहित मेजर धन सिंह थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार को उनके शौर्य और पराक्रम के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। आप हमारी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं। हिमाचली देश की सुरक्षा में सबसे ज़्यादा योगदान देते आए हैं। प्रदेश की जनता चाहती है कि आपके दिशा निर्देश से हिमाचल रेजिमेंट का गठन हो, और यदि आज की स्थिति में ये संभव नहीं है तो हिमालयन रेजिमेंट का इसे नाम दिया जाए। ये मांग हमारे श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने श्री प्रणब मुखर्जी के समक्ष भी रखी थी, लेकिन अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ है। महोदय, आज़ादी के बाद से ही प्रदेश में रेलवे के विस्तार ना के बराबर हुआ। रेलवे नेटवर्क और हवाई नेटवर्क को मजबूत करने की नितांत आवश्यकता है और हमारा फोकस इन दोनों सुविधाओं को मुहैया करवाने में रहेगा, तभी हमारा पर्यटन आगे बढ़ेगा। राष्ट्रपति महोदय, हमारा छोटा राज्य है, हम 4 सांसदों वाला प्रदेश हैं, हम दर्जनों सांसदों वाले प्रदेशों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए शायद रेलवे और हवाई सेवा के क्षेत्र में हम पीछे रह गए हैं। और आपका आशीर्वाद होगा, आज केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस प्रदेश से हैं, मुझे लगता है कि इन दोनों सेवाओं को आगे बढ़ाने में कोई मदद मिलेगी। हिमाचल ऊर्जा राज्य है, देश की पन बिजली की लगभग 1/4 बिजली हम पैदा करते हैं। हमारा आग्रह रहेगा कि पन बिजली परियोजनाओं व पंजाब पुनर्गठन के तहत हमारे क्लेम जो केंद्र पड़ोसी राज्यों से दिलवा सकता है, उसमें दिलवाने में आप या केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। हिमाचल प्रदेश सेब राज्य है और सेब की प्रति वर्ष 5,000 करोड़ की आर्थिकी है, परंतु बागवानों को सेब के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। आपसे आग्रह है कि केंद्र विदेशों से सेब के आयात पर रोक लगाए या आयात शुल्क को बढ़ा दे, ताकि खुले बाजार में हिमाचल का सेब जो है सही दाम हासिल कर सके। माननीय राष्ट्रपति महोदय, अगर आपका वरदहस्त और आशीर्वाद हमें मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारे राज्य को लाभ होगा। मैं फिर से अपने दल की तरफ से, इस सदन की तरफ से, प्रदेश की जनता की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और आपने इस सभा स्थल में आके इस सारे कार्यक्रम को गौरवपूर्ण और गरिमापूर्ण बना दिया है। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल। आभार महोदय। करबद्ध प्रार्थना हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से संबोधन के लिए। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व
के स्वर्ण जयंती वर्ष के इस अवसर पर आज यहाँ आयोजित किए जा रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में हमारे बीच में उपस्थित भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, केंद्रीय युवा सेवाएं एवं खेल तथा सूचना प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी, हिमाचल प्रदेश में पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी, प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, प्रदेश के हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, सम्मानीय सभी विधायकगण, सम्मानीय पूर्व सांसद, प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्यगण, उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और मीडिया के सभी भाई और बहनों, सर्वप्रथम मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय का देवभूमि व वीरभूमि हिमाचल प्रदेश में आगमन पर प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्रसन्नता का विषय है, स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें भारत के माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया था। 25 जनवरी 1900 हिमाचल भारत का 18वां तथा प्रदेश को पृथक होने के दिलवाने में योगदान देने के लिए शत शत नमन करता हूँ। पूर्ण राजत्व प्राप्त करने पर प्रदेश में भारतीय संविधान के तहत न्यायिक, प्रशासनिक तथा संस्थागत अस्तित्व में आए और प्रदेश की अविरल विकास यात्रा को बल मिला। उस समय पूरे प्रदेश की आर्थिक बहुत कमजोर थी, आय के पर्याप्त साधन उस वक्त नहीं थे तथा विभिन्न साधनों का भी अभाव था। प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां विकास के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी तथा आधुनिक उपकरणों व मशीनों के अभाव में यहाँ निर्माण लागत बहुत अधिक थी। आज हिमाचल की गिनती देश के खुशहाल एवं प्रगतिशील राज्यों में की जाती है। 50 वर्षों के इस सफर में इस पहाड़ी राज्य ने चुनौतियों के अनेक पड़ाव पार करते हुए सफलता के अनेक आयाम स्थापित किए हैं। आज प्रदेश के लोग सेना, राजनीतिक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। वर्ष 1971 में प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय 651 रुपये थी, जो आज बढ़कर 1,95,000 रुपये से अधिक है। वर्ष 1971 में सड़कों की लंबाई मात्र 37,808 किलोमीटर सड़कें प्रदेश के गांव तक पहुंच गई हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वरदान साबित हुई है और इसके लिए विशेष तौर से पूर्व में देश के प्रधानमंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम स्मरण करते हैं। हिमाचल के प्रति उनका बहुत प्रेम था और ऐसे पहाड़ी राज्य के लिए अगर इस प्रकार की योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजना अगर शुरू नहीं हुई होती तो आज भी हिमाचल प्रदेश के अधिकांश गांव सड़क के बिना होते। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग को समर्पित करना प्रदेश ही नहीं भी एक ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण अवसर था। वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश के केवल 2,944 गांव में ही बिजली की सुविधा थी, जबकि आज हिमाचल के 100% गांव में बिजली है और प्रदेश
आज देश के पावर सरप्लस राज्य के रूप में भी जाना जाता है, जहां पूरे देश भर में लगभग हाइड्रो सेक्टर में 45,000 मेगावाट जनरेट होती है, वहां हिमाचल प्रदेश का योगदान लगभग 11,000 मेगावाट इस छोटे प्रदेश होने के बावजूद से पानी लाना पड़ता था, लेकिन आज लोगों को घर घर में नल से जल की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। वर्ष 1971 में प्रदेश में केवल एम्स, आईआईएम, आईआईटी जैसे उच्च स्तरीय संस्थान क्रियाशील हैं तथा प्रदेश में साक्षरता दर लगभग है। हिमाचल आज शिक्षा का हब बन गया है। राज्य में वर्ष 1971 में स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या केवल 587 थी। आज प्रदेश में इन वर्षों में कृषि व बागवानी क्षेत्र में भी व्यापक प्रगति की है। आज प्रदेश की पहचान फल राज्य के रूप में भी पहचान दुनिया भर में पर्यटन गंतव्य के रूप में होती है। इन 50 वर्षों में मुझे विगत 3.5 वर्षों से प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला है। इन वर्षों में हमारी सरकार का ध्येय प्रदेश के विकास को गति देकर हिमाचल को विकास के शिखर पर ले जाना रहा है। हम इसमें काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। हमारा प्रयास रहा है कि विकास को मानवीय दृष्टिकोण दिया जाए और आय व रोजगार के अधिक से अधिक साधन सृजित कर हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाया जाए। हमने प्रयास किया है कि लोगों को जवाब दे, लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान उनके घर द्वार पर हो, लोगों का स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों तथा उन्हें धन के अभाव में इलाज से बचना पड़े, युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, उद्यमियों को निवेश को उचित अवसर मिले तथा हमारे किसान व बागबान खुशहाल हों, इन के लिए हमारी सरकार ने जनमंच, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100, हिम केयर, सहारा द योजना, शगुन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, नई राहें नई मंजिलें योजना तथा प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान जैसी हैं। यही नहीं, हमने पहली बार प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का भी आयोजन किया और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है उस आयोजन में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हम सबका मार्गदर्शन भी किया, हम सबको शुभकामनाएं भी दी। हमारी सरकार ने प्रदेश के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए भी विशेष कार्यक्रम संचालित किए हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश के किसानों, बागवानों, व्यवसायियों, कर्मचारियों, श्रमिकों, युवाओं, महिलाओं तथा अन्य वर्गों के कल्याण के लिए विशेष कदम उठाए हैं। हमारी सरकार कृत संकल्प है कि प्रदेश के हर क्षेत्र का संतुलित व संपूर्ण विकास हो तथा समाज के हर वर्ग का कल्याण व आर्थिक उत्थान सुनिश्चित हो। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकार की विकास व कल्याणकारी योजनाओं तथा नीतियों का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे तथा हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर व स्वावलंबी राज्य बने, ताकि इसकी गणना देश के विकसित राज्य में हो सके। हिमाचल प्रदेश को अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ इसके समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। हमने अपने इस समृद्ध संस्कृति को भी संजोए रखने के प्रयास किए हैं। सरकार द्वारा प्रदेश में हस्तशिल्प तथा हथकरघा को बढ़ावा व प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश के विभिन्न उत्पादों को देश विदेश में हिमाचल प्रदेश कोविड टीकाकरण अभियान में पहली डोज लगवाने में 100% लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कोविड के संक्रमण के दौरान भी हिमाचल प्रदेश में हमने प्रयास किया है कि विकास की गति ना रुके, और इसलिए जो भी विकास के काम हमारे चले थे उनको बाधित नहीं होने दिया, उनको प्रभावित नहीं होने दिया, और उस दृष्टि से हम लगातार काम करते रहे। हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि हम
इन वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और सहयोग मिल रहा है। इस अवसर पर मैं प्रदेश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदेश के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, श्री रामलाल ठाकुर, श्री वीरभद्र सिंह जी को श्रद्धांजलि देता हूं। इन नेताओं का भी हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी व प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने समय समय पर प्रदेश का नेतृत्व करते हुए विकास को नई दिशा दी है, और हिमाचल प्रदेश के विकास में इन दोनों मुख्यमंत्रियों का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश के सांसदों, विधायकों तथा पूर्व सांसदों एवं पूर्व विधायकों का भी प्रदेश के विकास में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। यह हम सभी के लिए एक सुखद संयोग है कि आज हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। मैं अपनी तथा प्रदेशवासियों की ओर से, सभी देवभूमि के सभी लोगों की ओर से उनको उनके सुखद व स्वास्थ्य दीर्घायु की कामना करता हूं और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों से प्रदेश की इस विकास यात्रा में अपना पूर्ण सहयोग देने का आग्रह करता हूं, ताकि हमारा यह सुंदर प्रदेश देश का एक सर्वाधिक विकसित राज्य बन सके। अंत में एक बार पुनः मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का हमारे आग्रह पर यहाँ आने के लिए वो हमें स्नेहाशीष देश के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी से संबोधन के लिए। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन खुशी का अवसर है। जैसे कि बताया गया कि इसके पूर्व अब्दुल कलाम, आदरणीय अब्दुल कलाम जी, आदरणीय प्रणव कुमार जी, इनका यहाँ संबोधन हुआ था, और हम विशेष रूप से सभी भाग्यशाली हैं कि ऐसे महानुभावों का मार्गदर्शन हमको समय समय पर मिलता रहा है। इस अवसर पर मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का प्रदेशवासियों से हार्दिक अभिनंदन और मनःपूर्वक स्वागत करता हूं। विधानसभा लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है। जैसे कि अपने देश में संसद होती है, सांसद सभी जो हैं वहां बैठते हैं, सर्वोच्च मंदिर है अपने देश का लोकसभा या राज्यसभा। यहां अपनी विधानसभा सर्वोच्च मंदिर है। सभी प्रदेशों से आए हुए सभी विधायक अपनी अपनी इच्छा आकांक्षा यहां प्रतीत करते हैं, सबके सामने रखते हैं। एक रूप से सभी लोगों का जो विचार है, प्रदेशवासियों का जो विचार है, उसका यहां हम सबको प्रतिरूप देखने को मिलता है। इसीलिए इसको हम एक विशेष रूप से चर्चा का, सकारात्मक चर्चा का एक केंद्र मानते हैं। इसको विवाद का केंद्र नहीं मानते। यहां अपने यहां कहा गया है, वादे वादे जायते तत्वबोधः। वाद करने से तत्वबोध होता है, समझ में आता है क्या करना है, किस दिशा में हमको जाना है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि वादे वादे जायते कंठशोषः, अपना सिर्फ कंठशोष हो जाता है। कुछ निश्चित रूप से तत्व यहां रखने का प्रावधान करना जो होता है, उसको हम कई बार भूल जाते हैं।
परंतु आप सब विधायक मैंने यहां आने के बाद बहुत ही बारीकी से आप सबकी चर्चाएं यहां देखी। आप इस प्रदेश को, किसी भी दल के आप हो, परंतु इस प्रदेश को एक दिशा देने के लिए सक्षम रूप से यहां वाद करते हैं, उससे तत्वबोध होता है। मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का मुझे हर्ष है। हमको बहुत बार बताया जाता है कि हम लोकतंत्र यहां इस देश में जो आया है वो विदेशों से, पश्चिमी देशों से विरासत में हमको मिला है, परंतु गौर से अगर हम देखें तो पता चलता है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा इतिहास, इन सब में हमारे लोकतांत्रिक भावनाओं का प्रादुर्भाव है। हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमको इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। एक फ्रेंच फिलोसोफिस्ट, फिलोसोफर जो थे, वोल्टेयर नाम के, उन्होंने एक बार कहा था जो लोकतांत्रिक व्यासपीठ का एक आधार बनना चाहिए, लोकतंत्र का आधार बनना चाहिए, उनका कहना था, आई मे डिसएग्री विथ एवरीथिंग दैट यू से, बट आई वुड रादर डाई इन डिफेंडिंग यूअर राइट टू से इट। यह लोकतंत्र की भावना का कदर करने वाला एक स्टेटमेंट है। मुझे लगता है कि ऐसी भावना लेकर हम सब यहां बैठते हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जिस प्रकार से यहां का विधानसभा का कामकाज चला रहा है, मैं देख रहा था टीवी पर, वो बहुत ही अच्छे तरीके से सबको बोलने का मौका देने का प्रयास उनका रहता है। सबको बोलने की आवश्यकता है, सबको अपना विचार रखने की सुविधा होनी चाहिए, और अपना इस हिमाचल प्रदेश जो है, इस प्रदेश से विविध प्रकार की वेशभूषाएं, रंग रेखा, विविध प्रकार के रहन सहन, आभूषण, विविध प्रकार के खान पान की यहाँ जैसे हर एक जिले में अलग अलग है, इस सब को हम इकट्ठा यहाँ लाकर देखने की जो ये जो प्रतिरूप है, इसको उनका बनाए रखने का बहुत प्रयास रहता है, ऐसा मैंने देखा है। मुझे लगता है इसी भावना को हम सबको आगे लेकर जाना है। हम जो सभी यहाँ विधायक उपस्थित हैं, तो सभी विधायकों के प्रति अपने अपने गांव के जन सामान्य लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि हमारा विचार रखने वाला प्रतिनिधि हमारे पास है, उसकी भावना के अनुरूप हमारा यहाँ कामकाज होना चाहिए, और वो होता रहता है। आज के इस मौके पर मैं ज्यादा विशेष बोलना नहीं चाहूंगा, मेरा समय खत्म हो रहा है, और इसलिए मैं पुनः एक बार परम आदरणीय राष्ट्रपति जी यहां आए हैं उसके प्रति मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, और आप और उनके बीच मैं ज्यादा देर खड़ा रहना नहीं चाहता। उनका मार्गदर्शन सुनने के लिए वास्तव में हम यहां उपस्थित हैं, इसलिए आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं वाणी को आराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद महोदय। विनम्र अनुरोध भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इस ऐतिहासिक सत्र में प्रमुख रूप से उपस्थित राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर जी, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी, प्रतिपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, उपस्थित सभी सांसदगण,
विधायकगण व पूर्व विधायकगण, हिमाचल प्रदेश से जुड़े प्रमुख जनसेवकगण, गणमान्य अतिथियों, देवी और सज्जन, मुझे भी आज पहली बार आपके राज्यपाल आदरणीय राजेंद्र जी का उद्बोधन सुनने को मिला। आप सब लोग जानते हैं कि वो गोवा विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उस दृष्टि से आज जो उनका सारगर्भित उद्बोधन हम सबको मिला है राज्यपाल के नाते, वो मुझे लगता है कि एक दिशा प्रेरक और हम सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि संभवतः वो कितने विधानसभा की कार्यकलापों पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। देवी और सज्जनों, हिमाचल प्रदेश द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की स्वर्ण जयंती से जुड़े विधानसभा के इस विशेष सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। लोकतंत्र के इस उत्सव के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले आप सभी महानुभावों के साथ साथ मैं प्रदेश के लगभग 70 लाख नागरिकों को पूरी देश की ओर से भी बधाई देता हूं। यह वर्ष हिमाचल प्रदेश तथा पूरे देश के निवासियों के लिए विशेष हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण है। इसी वर्ष हम सब स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, और साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना की स्वर्ण जयंती भी मना रहे हैं। यह काउंसिल चैंबर भवन तथा परिसर आधुनिक भारत की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं के साक्षी रहे हैं। इसी भवन में श्री विट्ठल भाई पटेल ने सन 1925 में ब्रिटिश प्रत्याशी को हराकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष का चुनाव जीता था। अध्यक्ष के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसदीय मर्यादा और निष्पक्षता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो आज भी हमारी संसद और विधानसभाओं के लिए एक आदर्श है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी श्री जसवंत राम से लेकर श्री ठाकुर सेन नेगी सहित अध्यक्षों एवं प्रभावशाली विधायकों की समृद्ध परंपरा रही है। इस सत्र में प्रतिपक्ष के नेता का संबोधन होना आप सबकी परिपक्व लोकतांत्रिक संस्कृति का अनुकरणीय उदाहरण है। इस स्वस्थ परंपरा के बीच आपके पूर्ववर्ती जननायकों द्वारा संचालित आजादी की लड़ाई और उसके बाद पूर्ण राजत्व के लिए सर्वथा संवैधानिक तरीके से संचालित आंदोलन में निहित थे। पहाड़ी गांधी के नाम से विख्यात कांगड़ा के बाबा कांसीराम जैसे स्वाधीनता सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया और अपने जीवन के अनेक वर्ष कारावास में बिताए। संविधान सम्मत मार्ग पर चलते हुए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, पंडित पदम देव, श्री शिवानंद रामौल तथा अन्य जन सेवकों ने पहाड़ी क्षेत्रों के एकीकरण और हिमाचल प्रदेश की स्थापना के संघर्ष को आगे बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का निर्माण करने वाले विगत विधानसभाओं के सदस्यों तथा उसको मजबूत बनाने वाले आप सभी विधायकों को मैं साधुवाद देता हूँ। उनमें से बहुत से लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं। लोकतंत्र के उन सेवकों की स्मृति को मैं सभी देशवासियों की ओर से नमन करता हूँ। देवी और सज्जनों, इस क्षेत्र के जनजन में व्याप्त लोकतांत्रिक चेतना के कारण ही शायद यह ऐतिहासिक संयोग बना कि स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव का पहला
वोटर होने का श्रेय हिमाचल प्रदेश के ही श्री श्याम शरण नेगी को जाता है। उन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2014 के लोकसभा चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। मुझे बताया गया है कि 100 वर्ष से अधिक आयु के श्री नेगी जी आज भी सक्रिय हैं और एक सजग मतदाता के रूप में उनका उदाहरण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है। जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जैसे लोकतंत्र में आस्था रखने वाले जन नायकों के नेतृत्व में यहाँ की जनता के संघर्ष की सफल प्रणति थी। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने विगत 50 वर्षों में विकास की जो गाथा लिखी है उस पर सभी देशवासियों को गर्व होता है। इसके लिए सभी पूर्ववर्ती सरकारों ने, मैं सभी की बात करता हूँ, इसके लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने अहम भूमिका निभाई है। मैं पूर्व मुख्यमंत्रियों स्वर्गीय डॉक्टर वाई एस परमार, स्वर्गीय श्री ठाकुर रामलाल, श्री शांता कुमार, श्री प्रेम कुमार धूमल और स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह के योगदान की सराहना करता हूँ। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की विकास यात्रा को जनमानस तक पहुँचाने की पहल अत्यंत सराहनीय है। हिमाचल प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित किए। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21 अर्थात 2020 और 21 में हिमाचल प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। हिमाचल प्रदेश कई मापदंडों पर देश में अग्रणी राज्य है। इसके लिए मैं राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर जी, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी एवं हिमाचल प्रदेश सरकार की पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। देवियों और सज्जनों, देववाणी संस्कृत के साहित्य में देवभूमि हिमाचल की प्रशस्ति के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। हमारी लोक परंपरा में इस क्षेत्र को महादेव शंकर और देवी पार्वती से जुड़ा माना गया है। एक बहुत प्रचलित प्रार्थना है कि हिमाचल सुता नाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जहि, अर्थात हिमालय की कन्या पार्वती के पति भगवान शंकर के द्वारा प्रशंसित होने वाली है। हे परमेश्वरी, सभी लोगों को रूप विजय और यश प्रदान कीजिए, शत्रु के समान विद्यमान कुवृत्तियों का नाश कीजिए। मैं यही प्रार्थना लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में हिमाचल प्रदेश के निवासियों तथा सभी देशवासियों के कल्याण के लिए भी करता हूँ। अन्याय व अत्याचार के प्रतीक महिषासुर का मर्दन करने वाली माँ दुर्गा की प्रार्थना करने से यह विचार भी स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश के शांति प्रिय परंतु बहादुर लोग आवश्यकता पड़ने पर अन्याय, आतंक और देश की अस्मिता पर किसी भी प्रकार के प्रहार का वीरतापूर्वक जवाब देते रहे। हिमाचल प्रदेश के लगभग हर गांव के युवा भारतीय सेनाओं में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। मुझे बताया गया है कि राज्य में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या लगभग 1,20,000 से भी अधिक है। इस वीर भूमि से ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष में प्राण न्यौछावर करने वाले राम सिंह पठानिया, देश के पहले परम वीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, करगिल में शहीद हुए परम चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार और कारगिल के नायक शहीद कैप्टन सौरभ कालिया जैसे अनेक सूरवीरों ने पूरे देश का और हिमाचल प्रदेश का मस्तक ऊंचा किया है। सैन्य बलों का सुप्रीम कमांडर होने के नाते कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन सभी वीरों की पावन स्मृति को मैं नमन करता हूं। देवी और सज्जनों, यह भी आप सभी के लिए गर्व का विषय है कि सन 2014 में यह विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी। यह टेक्नोलॉजी के सक्षम उपयोग, पर्यावरण की रक्षा तथा आर्थिक संसाधनों की बचत का अच्छा उदाहरण है। पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन के लिए
राज्य सरकार ने प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने सहित अनेक सराहनीय प्रयास किए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित नॉन बायो डिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995, प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकर्स हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट 1997 जैसे कानूनों का पूरे देश पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। इस विधानसभा में ऐसे अनेक कानून बनाए गए हैं जिनसे भविष्योन्मुखी परिवर्तन के लिए मार्ग प्रशस्त होता रहा है। हिमाचल प्रदेश में नदियों का पानी निर्मल है, यहाँ की मिट्टी साफ सुथरी तथा पोषक तत्वों से युक्त है। मैं चाहूँगा कि यहाँ के किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती को अधिक से अधिक अपनाएं और रासायनिक उर्वरकों से अपनी सस्य श्यामला धरती को मुक्त करें। पिछले कुछ महीनों के दौरान हिमाचल प्रदेश में बादल फटने तथा जल प्लावन जैसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसे हुए हैं। मैं सभी संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। मुझे विश्वास है कि केंद्र व राज्य सरकार मिलकर ऐसी आपदाओं के वैज्ञानिक समाधान विकसित करेंगे। कोविड महामारी का सामना करने में हिमाचल प्रदेश ने देश में सबसे पहले वैक्सीन की पहली डोज 100% आबादी को लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए साधुवाद को मैं अक्षरशः साझा करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश इस महामारी के विरुद्ध लड़ाई में चैंपियन बनकर सामने आया है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश के सभी कोरोना वॉरियर्स की मैं सराहना करता हूँ। देवी और सज्जनों, ये संयोग की बात है कि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। यहाँ आने से पूर्व मैंने उनको जन्मदिन की बधाई दी थी और जब मैंने बताया कि मैं दो दिन के लिए हिमाचल में हूँ और आज विधानसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्यों को संबोधित करने वाला हूँ और अवसर है कि राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर और इसका जो स्वर्ण जयंती वर्ष है उसका शुभारंभ का आज अवसर आया है, मैं उसमें संबोधित करूंगा। तो उन्होंने अपनी ओर से आप सभी को और राज्य की स्थापना वर्ष के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे प्रदेश के लोगों को अपनी बधाई भी दी। देवी और सज्जनों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हिमाचल प्रदेश से गहरा लगाव था, इसे वो अपना घर ही मानते थे। उन्होंने हिमाचल को विशेष औद्योगिक पैकेज प्रदान किया जिससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिला। उन्होंने ही 2002 में उस परियोजना की आधारशिला रखी थी जो आज अटल टनल के नाम से दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग टनल के रूप में स्थापित है। इससे हिमाचल और लेह लद्दाख के हिस्से देश के अन्य क्षेत्रों से सदैव जुड़े रहेंगे और वहाँ के लोगों का तेजी से आर्थिक विकास होगा। मेरे लिए यह सुखद संयोग है कि हिमाचल की धरती मुझे पिछले लगभग 45 वर्षों से आकर्षित करती रही है। मैं पहली बार 1974 में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली क्षेत्र में आया था और उसके बाद कई बार इस प्रदेश में आना होता रहा। सार्वजनिक जीवन से जुड़े अनेक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी हिमाचल प्रदेश आने का अवसर मुझे मिलता रहा। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, लोगों की कर्मठता, सरलता व अतिथि सत्कार ने मेरे मानस पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक यात्रा मुझ में एक नई स्फूर्ति का संचार करती है। देवी और सज्जनों, आप सभी विधायक, सांसद तथा प्रदेश के अन्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को प्रदेश की जनता अपने भाग्य विधाता के रूप में देखती है और आप सभी से अपेक्षा करती है कि आप सब इस प्रदेश व राष्ट्र के निर्माता बने। अब तक की अपनी विकास यात्रा के द्वारा आप सबने भविष्य के समग्र व समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। पर्यावरण के अनुकूल कृषि, बागवानी, पर्यटन, शिक्षा, रोजगार, विशेष कर स्वरोजगार
आदि अनेक क्षेत्रों में सतत विकास की अपार संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। हमें प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने के साथ साथ विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रयास करने होंगे। प्रदेश के हम सब लोग जानते हैं, एक जिले का नाम सिरमौर भी है। मेरी शुभकामना है कि पूरा हिमाचल प्रदेश एक दिन विकास के पैमाने पर भारत का सिरमौर बने। मुझे विश्वास है कि 2047 में जब हमारे देशवासी आजादी की शताब्दी मनाएंगे और हिमाचल प्रदेश अपनी स्थापना के 75 वर्ष संपन्न होने के समारोह मनाएगा, तब तक यह राज्य विश्व स्तरीय विकास और समृद्धि का आदर्श प्रस्तुत कर रहा होगा। हिमाचल प्रदेश की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में लोकतंत्र के इस मंदिर में आप सबके प्रति मैं यह शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि अपनी लोकतांत्रिक विरासत व स्वस्थ परंपराओं को निरंतर मजबूत बनाते हुए आप सब अपने राज्य को खुशहाली की बुलंदियों पर ले जाएं। हिमाचल प्रदेश द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की स्वर्ण जयंती पर आप सबको एक बार फिर हार्दिक बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। साधन आभार महोदय। माननीय अतिथियों के विधिवत आभार के लिए विनम्र आग्रह प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री हंसराज जी से। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्णिम अवसर पर हिमाचल में पधारे माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी, आदरणीय राज्यपाल प्रदेश श्री राजेंद्र विश्वनाथ।